दिल्ली से एक और खबर आ गई है, कार्तिक शर्मा की केंद्र मंत्री से मुलाकात। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की गई है। सांसद ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा है मांग पत्र। एम्स डिस्पेंसरी में नियमित स्टाफ भेजने की मांग रखी है। फरीदाबाद के जोहेड़ा में जनसंवाद में मिली थी शिकायत, मंत्री ने नियमित स्टाफ भेजने का भरोसा दिया है। फरीदाबाद के गांव जोहेड़ा में सांसद कार्तिक शर्मा द्वारा जनसंवाद के दौरान गांव में एम्स की डिस्पेंसरी में स्टाफ को नियमित करने की मांग पर उनके द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से सांसद कार्तिक शर्मा ने मुलाकात की। इस दौरान सांसद कार्तिक शर्मा ने स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा के दौरान उन्हें मांग पत्र भी दिया है, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स की डिस्पेंसरी में नियमित स्टाफ भेजने का भरोसा दिया है। तो आपको बता दें, जनसंवाद के दौरान ये शिकायत मिली थी, इसके बाद समाधान का आश्वासन सांसद कार्तिक शर्मा की तरफ से दिया गया था। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से सांसद कार्तिक शर्मा ने मुलाकात की और उनको मांग पत्र भी दिया है। तो सांसद ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को मांग पत्र सौंपा है। एम्स डिस्पेंसरी में नियमित स्टाफ भेजने की मांग रखी, जिसके बाद आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने उनको भरोसा दिया है कि जल्दी नियुक्ति हो। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, आपको बता देते हैं, इस वक्त का एक और अहम अपडेट आ रहा है। फरीदाबाद के जनसंवाद के दौरान मिली थी शिकायत, एम्स डिस्पेंसरी में नियमित स्टाफ भेजने की मांग की गई थी। सांसद कार्तिक शर्मा ने दिया था आश्वासन, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात का आपको बता दें कि भरोसा भी दिया गया था। बता दें कि 15 नवंबर को फरीदाबाद के प्रथला विधानसभा के 5 गांव में सांसद कार्तिक शर्मा लोगों के बीच जनसंवाद करने पहुंचे थे, जहां गांव जोहेड़ा के लोगों ने ये मांग रखी थी, जिस पर सांसद कार्तिक शर्मा ने कहा था कि वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर इस पर कार्रवाई जरूर होगी। लोगों की इसी मांग को लेकर सांसद कार्तिक शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात भी की, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है। तो क्योंकि ये केंद्र सरकार का काम है, और मैं जुनेड़ा गांव को एक बात और बोलना चाहता हूं कि आपके साथ दोहरा रिश्ता है। एक रिश्ता है कि मैं राज्यसभा सांसद हूं, आपका नेतृत्व भी करता हूं पूरे राज्य का, लेकिन मुझे आपके विधायक ने वोट दी थी अपने चुनाव में, तो आपका भी उतना हक है मेरी सांसदी में जितना किसी और का। तो इसीलिए विशेष तौर से मैं कहूंगा, मैं सिर्फ एक सांसद के तौर पे औपचारिकता करने नहीं आया हूं, मैं सबसे पहले आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं, मैं पीजीआई के बोर्ड पे हूं, मैं माननीय मनसुख मांडविया जी से समय लेकर कहूं कि मैं आपकी ये मांग पूरी कराऊंगा सबसे।